हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार, मैं एक ओसीडी सफरर। मैं आज आप लोग से बात करने वाला हूँ कि एक ओसीडी पेशेंट अपने आप को कैसे समझे कि अपने अपने थॉट को जिससे डर रहे होते हैं उसको उसको कैसे समझे, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग के माइंड में जो नेगेटिव थॉट आते हैं, हम लोग उसके वजह से ही डर रहे होते हैं। जैसे कि चाहे कोई भी सिम्टम्स ले लीजिए, पानी में बार बार हाथ धोने वाला थॉट से ही वहाँ पर काम होता है। जब हम लोग फिर से जाते हैं हाथ धोने के लिए या तो ताला चेक इन करने, उसमें भी क्या होता है कि बार बार ताला लगा हुआ भी रहता है, फिर भी हम लोग चेकिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो हम लोग का माइंड में नेगेटिव थॉट जो आ जाता है कि लगाए कि नहीं लगाए, फिर इससे कुछ बुरा होने का फ्यूचर में संकेत, तो इससे ही डर रहे होते हैं। और सिम्टम्स लेते हैं कपड़ा पहनने में, किसी को कपड़ा पहनने में लगने लगता है कि कुछ गंदा नहीं है, फिर नहीं है, ये सिर्फ क्या चीज़ है, ये सब हमारा सोच ही है जो है कि हमको डरने लगता है। किसी को अब गिनती बुला होता है, नहीं 8 से 7 से गिनती 6 से, किसी को काउंटिंग का जो होता है उससे रिलेटेड डर, ये डर से ही जो हमारा नेगेटिव थॉट से ही हम लोग डर रहे होते हैं। जो जो कि ये क्या है, हमारा तो एक सोच ही है ना, जिसके कारण से कि हम लोग डर रहे होते हैं। अब जानते हैं कि ये सब को हम लोग कैसे समझें। हम लोग को पहले ये सबसे पहली बात ये समझना है कि कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट, ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, वो एक थॉट है। जिससे कि हम लोग को ये समझना चाहिए एक ओसीडी पेशेंट को, जिससे कि मैं समझा पहले कि कोई भी थॉट ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, वो एक थॉट है। उस पर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज तक जो है कि हम लोग जो है कि जैसे मेरे पिताजी या जो कोई भी रिलेटिव कोई बाहर जाते हैं तो हम लोग कितना कुछ बुरा सोचते हैं उसके बारे में, तो कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं जो है कि चोट ना लग जाए। क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा जो है कि हम जब भी सोचते हैं तो किसी दूसरे पर उसका असर नहीं होता है, सबसे पहला पहली बात। और अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे कि जब हम लोग पे जो है कि ये सोच का असर कैसे पड़ता है। हम लोग पे सोच का असर ऐसे पड़ता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं, जब हम सोचते हैं तो उसका असर हम पे कैसे होता है ये जानते हैं। उसका असर इस प्रकार से होता है कि जब हम कुछ निगेटिव के बारे में सोच करके डर रहे होते हैं ना, डर के वजह से हम लोग के ऊपर उसका असर होता है। अगर हम लोग कुछ जैसे सोचे उससे डरे नहीं तो जो है कि जैसे तो हम लोग के ऊपर उसका असर नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डर रहे होते हैं, डरने के कारण से जो है कि वो हमारे ऊपर हावी होता है, उस थॉट से हम लोग डर रहे होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से आप जो डरते हैं उसके कारण से जो है कि उस सोच का असर हमारे ऊपर होता है। जैसे कि कोई जैसे कि डॉग फोबिया, किसी को डॉग का होता है, वो सोचेगा रोड पे जाएंगे हम कहीं डॉग को देखेंगे तो डॉग हमें काटने ले, ये जो है कि थॉट आएगा। और कोई जो है कि जाएगा वाटर लेने, फिर से कहीं वो कंपनी में जाए, जिसके थॉट से डरने से पहले वो सिस्टम उसके बारे में सोच लेते हैं कि ये गलत हो जाएगा ये चीज़, जिसके कारण से कि वो डर रहा होता उससे जो है कि वो थॉट जो उस पर हावी हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग को समझना है कि ये थॉट ना तो नेगेटिव थॉट होता है ना ही पॉजिटिव थॉट होता है, जिससे कि हम लोग को जो है कि एक अच्छी तरह से जीने में मदद मिलेगा, कि जो भी थॉट आएगा उसको हम लोग समझने में हम लोग को मदद मिलेगा।
सबसे फर्स्ट करना है क्या, फर्स्ट फर्स्ट बोलना है, जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उससे हम लोग को डरना नहीं है, उससे उसको देखना है, वॉच करना है कि क्या थॉट आ रहा है। और उससे क्या होगा कि हम लोग जैसे ही देखेंगे थॉट को तो हम लोग को उसे डरेंगे नहीं, उसके बोलेंगे ना तो ये निगेटिव, ना तो इस थॉट से कुछ नहीं होगा जो कि जो थॉट आ रहा है। धीरे धीरे जो ऐसे प्रयास करने से हम लोग का बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, जिसके कारण से कि जो है कि हम लोग को देखने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे 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 हम लोग समझेंगे कि यार ये तो ऐसे होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। और हम लोग डरते किस वजह से हैं, जब भी अगर कुछ सोच रहे होते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, अगर वो काम अगर सच में हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो है कि हमारे सोचने से हुआ, लेकिन होता कुछ और वजह से है, लेकिन हम लोग जो वो डाउट का लेवल लगा देते हैं कि हम सोच रहे थे इसीलिए हो गया। जैसे एक जो है कि डाउट, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जैसे कि एक जगह बैठते हैं, जैसे कि बाहर जा रहे हैं, जैसे डॉग का फोबिया लेते हैं, जो डॉग में ही जैसे हम लोग बाहर जाते हैं रोड पे, सोच रहे होते हैं कि डॉग आ रहा है, डॉग आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, जैसे ही डॉग दिखा हम लोग को बिलीव होने लगता है कि नहीं, हम सोच ही रहे थे इसी कारण से हमको डॉग दिखाई पड़ गया। लेकिन जब जब एक जिसको ओसीडी नहीं है वो अगर जाए तो जो है कि डॉग आ भी गया नहीं भी आ गया तो उसको पता नहीं चलेगा कि उतना कि गया तो गया, डॉग आया भी तो वो आके चले भी जाएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे कुछ होता कुछ और वजह से है, हम लोग किसी और चीज़ का लेवल लगा देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स तो हम लोग को क्या करना है कि इसको जो होता है उसको थॉट से जो है कि कोई भी थॉट जो है नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी थॉट पॉजिटिव नहीं होता तो वो थॉट होता है जिससे हम लोग को डरना नहीं है। माइंड में नेगेटिव थॉट आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, वो आने का जो है कि वो सबको आती है, एक जो ओसीडी नहीं भी होता है उसको भी आती उसको भी आती है, क्यों नहीं। मैंने बहुत सारे से पूछा भी है कि बोले हाँ आती है, लेकिन उसका वैल्यू आती है तो फिर बोलते हैं नहीं यार ये सब नहीं होता है, तो वो लोग छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि डर रहे होते हैं इसी कारण से, इसलिए हम लोग को ये धीरे धीरे सीखना होगा, डरना नहीं है इस सब चीज़ से। जैसे ही हम लोग डरने की ये आदत को छोड़ेंगे तो हम लोग का धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो हम लोग को जीने का और अपने लाइफ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अपने थॉट को, जिससे क्या होगा धीरे धीरे डर कम होगा और हम लोग एक रियलिटी को देखने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जो है कि ये जो है हम लोग का एंजाइटी धीरे धीरे कम होगा, फिर हम लोग का एंजाइटी कम होगा, इससे होते होते हम लोग का ओसीडी धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, और भी कोई कमेंट हो तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।